वालेकुम बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेंकमान रहीम प्यारे बहन भाइयों आज का जो अमल ख़ास है कारोबार की तरक्की का अमल कारोबार की तरक्की कारोबार की बंदिश की वजह से कारोबार का ख़त्म होना रिस्क का ख़त्म होना घर में फाका कशी होना अक्सर लोग होते हैं जो आपकी बंदिश लगा देते हैं जो ख़ुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों को भी रहने नहीं देते सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतीत से शुरू करते हैं आप अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि सब लोग क़्यामत के दिन अपने हिसाब में मशगूल होंगे लेकिन जो सदका करने वाले हैं सदक़े के सए तले होंगे प्यारे बहन भाइयों जब आप सदकों ख़ैरात नहीं करते तो कारोबार भी बंद हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप काम करते हैं कोई भी उसमें एक हिस्सा थोड़ा सा ज़र्रा अल्लाह के नाम का रखें फिर देखें तरक्की और बंदिश भी ख़त्म होगी और बेहिसाब रिस्क भी आएगा सूर्य कौसर का ख़ास एक वजीफ़ा ख़ास एक अमल आपके साथ मैं आज आपको समझाऊंगी भी कोई आपको नहीं समझाएगा जिस तरह मैं आपको समझाती हूँ अगर आपने करोड़ों के हिसाब से रिस्क लेना है चलें यहाँ पर जितने पैसे लिखने हैं वो आप लिख लें मैंने अल्लाह पाक की ज़ात जितनी बड़ी मेरे रब की ज़ात है उसका कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पर काउंट किया यहाँ लिखा ठीक है आपने जितना लिखना है अपने रब से मोहब्बत के हिसाब से आप भी लिख लें मैंने भी लिख दिया है अब आपने ये नक्श छोटा सा बिल्कुल ठीक है एक से दो इंच का बनाना है बिल्कुल छोटा सा दस रुपये के नोट पर और जब आप दस रुपये के नोट पर ये छोटा सा नक्श बनाएंगे ना तो फिर आपने पता क्या करना है इसको कभी भी एक दफ़ा ही नक्श बनेगा बार बार नहीं तो कभी भी गुम ना होने दीजिएगा अपनी पॉकेट में रखिएगा कहीं लगने ना दीजिएगा ये आपने दस रुपये के सौ रुपये के जो भी आपको समझ आती है पचास रुपये के नोट के ऊपर आपने ये बनाना है इतना बनाना है ठीक है ये नीचे अमाउंट आपने अपने दिल में रखनी है तो बेहिसाब रिस्क आपको आएगा अमल का तरीका आप समझते हैं सूर्य कौसर को एक बार बिसमिल्ला को इकतालीस बार अब आख़िर एक मरतबाद रूशीफ़ के साथ इतवार वाले दिन मगरब के वक़्त मट्टी का प्याला घर में लाएँ उसके ऊपर इसको दम करें दम करने के बाद आपने यही नक्श बनाकर प्याले में कागज़ जो कागज़ पे बना होगा ना सादा कागज़ पर इसको प्याले में रखना है और फिर पानी डाल देना है ये पढ़ाई करके उस पर दम कर देना है दम तीन मरतबा करना है पूरा घर पिए थोड़ा थोड़ा करके एक पूरा घर पिए बंदिश ख़त्म हो जाएगी क्या पता किसकी वजह से बंदिश लगी है बंदिश ख़त्म हो जाएगी रिस्क की बंदिश ख़त्म होगी बेहिसाब पैसा और दौलत आपके पास आएगा बंदिश ख़त्म करने का एक और तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ मिट्टी के प्याले में पानी लें और अपने पूरे घर में छिड़का दें ये वाला अमल करके ना सूर्य कोसर का एक बार और बिसमिल्ला इकतालीस बार पढ़ कर अपने घर के सारे कोनों में छिड़का दें बंदिश टूट जाएगी अल्लाह के कलाम का हिसार बंद जाएगा आपके घर में कोई जादू नहीं कर सकता आपके घर में कोई टूना नहीं कर सकता आपके घर में कोई काला इलम सफरी नहीं कर सकता आपके घर को नज़र नहीं लग सकती कभी कोई बंदिश नहीं लगा सकता शादियों की रिश्तों की अपने आपस में जो रिश्ते मोहब्बत के होते हैं लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा रिस्क तो आएगा ही बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी आप एक दफ़ा ये अमल करके तो देखें प्यारे बहन भाइयों बंदिश का एक खास तरीक़ा आज मैं आपको समझाने लगी हूँ लोग क्या करते हैं जिन पर बंदिश लगी होती है उनके साथ कैसे कैसे चीज़ें पेश आती हैं सबसे पहली चीज़ उनको बुरे ख्वाब आना ख्वाब में मुर्दे नज़र आना ख्वाब में गंदा पानी नज़र आना ख्वाब में गंदगी नज़र आना रिस्क की बेद करना ठीक है ख्वाब में ख़ुद को वाशरूम में देखना बाथरूम में देखना ख्वाब में अक्सर दफ़ा ये होता है कि ख्वाब में डर जाना खौफ करना अपने सीने पर बोझ महसूस करना या सोते में आवाज़ें निकालना इसका मतलब है आप पर बंदिश लगी हुई है खासकर मर्द हजरत पर यह बंदिश लगती है याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने काम करना होता है बाहर जाना होता है तो बंदिश मर्द हजरा पर ज़्यादा होती है देखें अब ये बंदिश को ख़त्म करने का तरीका घर के कोनों में ये जो आ, अमल है सूर्य कोसर का पानी जो है वो छिड़काना है पीने के लिए भी आप तैयार करें पिए भी और छिड़काएं भी रिस्क के लिए ये नक्श अपने मतलब के सौ रुपये के नोट पर पचास रुपये दस रुपए के नोट पर बना कर आप जितना बेहिसाब रिस्क लिख सकते हैं यकीन माने एक दफ़ा ये अमल करें सिर्फ़ एक ही दफ़ा का अमल है आपका मसला हल हो जाएगा जितनी भी बंदिश है किसी ने जादू टूना किया है किसी ने तावीज़ गंडे किए हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप यकीन माने कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं कारोबार में किसी की दुकान है किसी की कपड़े की किसी की जूतों की किसी की सब्ज़ी की कोई भी शॉप है किसी की फैक्ट्री है किसी के जानवरों का मसला है जानवरों के प्रॉब्लम में भी आप जानवरों जिस जगह आपने जानवर रखे हुए हैं गाय भैंस बकरी वगैरह वहाँ पर भी आप पानी का छिड़काव करें बंदिश टूट जाएगी हर तरह की बंदिश को ख़त्म करने का ये अमल है बंदिश ख़त्म हो जाए रिश्तों की बंदिश प्यारों की बंदिश हर किस्म की बंदिश एक दफ़ा ये अमल जरूर करें हर कोई ये करे मेरी तमाम अमलियात की जो लाइव वीडियो हैं वो आपको लाइव 8 पीएम पर ज़रूर मिल जाया करेगी 8 पी पर 7 बजे पोस्ट होगी 8 बजे सबके पास पहुंच जाएगी तो जल्द से जल्द जल जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और मैं सिर्फ दुआओं का जरिया हूं अल्लाह की जात आपके साथ है इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त दें अगर मेरी बात समझ आती है तो अपने रिस्क के लिए ख़ुद को बुलंद करें जजाकल्ला ख़ैरा वालेकुम प्यारे, प्यारे बहन भाइयों अगर, अगर आप इस रूहानी इलाज करवाना लाज़ चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप, 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 आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तेम कर सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबा करे अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करे और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करे आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला